चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर कोरोना काल से जुड़ी हुई है। कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को संवारने वाला आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण का आज विवरण मिलेगा। आज वित्त मंत्री 20 लाख करोड़ के पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी देश के साथ साझा करेंगे। हालांकि बता दें आपको, पहले चरण में नौकरी पेशा से लेकर छोटे उद्योगों तक राहत देने की कोशिश सरकार ने अपनी तरफ से की। तो चलिए आइए अब आपको दिखाते हैं कि आर्थिक पैकेज के पहले चरण में 20 लाख करोड़ में से आपके हिस्से में क्या आया। मंगलवार को पीएम ने मंगल पैकेज का ऐलान किया। बुधवार को सरकार ने पैकेज के बारे में बताया तो बाजार बम बम कर उठा और आज सबकी नजरें 130 करोड़ भारतीयों के भविष्य को संवारने वाले पैकेज के दूसरे चरण की जानकारी पर टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जब बुधवार को प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को समझाने देश के सामने आए तो उनका एजेंडा साफ था कि नौकरी पेशा की जेब में ज्यादा पैसे हों, लघु और कुटीर उद्योगों के थम चुके पहिए फिर रफ्तार पकड़ सके। सबसे पहले सुनिए नौकरी करने वालों के लिए क्या राहत का ऐलान हुआ। जो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन है, जिनका ईपीएफ का योगदान है, वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12-12% से कम करके 10-10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। अब समझिए कि अनुराग ठाकुर ने जो बताया उससे क्या फायदा होगा। आपकी सैलरी से पीएफ 12% के बजाय 10% कटेगा। इससे कर्मचारी को 4% ज्यादा सैलरी मिलेगी। कंपनी को भी पीएफ का हिस्सा 10% ही देना होगा। सरकार का दावा है कि इससे अगले 3 महीने में 6,750 करोड़ रुपए की नकदी बढ़ेगी। 6.5 लाख संस्थानों के 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को 12% ही पीएफ देना होगा। सरकार भी अपना 12% का हिस्सा देती रहेगी। जिनकी सैलरी 15,000 तक है उनके लिए भी सरकार ने संकट मोचक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12-12% भारत सरकार देगी। और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था, जिसकी भुगतान कर भी दिया गया पहले 2 महीनों के लिए, और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से 72 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। सरकार ने उन कर्मचारियों का भी ख्याल रखा है जो गैर वेतन भोगी हैं और इनकम टैक्स देते हैं। ऐसे लोगों के लिए टीडीएस 25% कम कर दिया गया है। यानी पहले अगर 100 रुपए टीडीएस कटता था तो अब 75 रुपए कटेगा। इसमें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले, प्रोफेशनल फीस लेने वाले, ब्याज दरें, किराया, कमीशन या ब्रोकरेज लेने वाले शामिल हैं। ये टैक्स दरें अलग अलग होती हैं। ये कटौती आज से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। सरकार के मुताबिक इससे 50,000 करोड़ के नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। अब सबकी नजरें आज पर है कि देश के दूसरे सेक्टर के लिए किस तरह की राहतों का ऐलान होता है।